हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको शायद पता ही चला होगा कि आज का वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक है। इससे पहले मैंने इंटीरियर रिलेटेड कुछ वीडियो बनाई थी, बट आज मैं एक स्पेशल यानी एक्सटीरियर रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप एक्सटीरियर की लाइटिंग और रेंडर सेटिंग कैसे कर सकते हो, और वो भी एकदम ईजी तरीके से। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी इंटीरियर के ऊपर, जिसमें कि मैंने आपको इंटीरियर में रेंडर सेटिंग आप कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हो और लाइट सेटअप कैसे कर सकते हो, वो वीडियो बनाई थी। वो वीडियो आप एक बार देख लेना, आई बटन पे उसकी लिंक डाल रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक छोड़ दूंगा। सो आज जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक्सटीरियर की रेंडर सेटिंग और लाइटिंग, वो भी उसी प्रकार है, वो भी एकदम ईजी है, आपको एकदम ईजी तरीके से वो समझ में आएगी। सो उसमें क्या है ना, बेसिकली आपको तीन पैरामीटर्स है, यानी आपको एक तीन वैल्यू सेट करनी पड़ती है। वो प्रॉपर तरीके से अगर आपने सेट की तो आपका रेंडर काफ़ी अच्छा आएगा, और वो भी एकदम इजी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे वीडियोस को काफ़ी अच्छे लाइक मिल रहे, आप कमेंट भी कर रहे हो, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। किसी एक दोस्त ने मुझे कमेंट भी किया था कि मटेरियल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं जल्दी मटेरियल क्रिएशन के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो अच्छा लगता है कि आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। ऐसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मैं आपको और भी इसे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। तो चलो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, मेरे पास ये एक मॉडल है कि जिसमें मैं आपको दिखाने वाला कि आपको लाइट सेटअप कैसे करना है और उसके साथ आपको रेंडर सेटिंग क्या रखनी है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है मॉडल। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कैमरा सेट कर लेना है एक बार। कैमरा में आपके पास दो ऑप्शन है कि आप कैमरा में जाते हो तो आपको स्टैंडर्ड में एक फ़िज़िकल कैमरा मिलता है, और वीरे में आपको वीरे फिज़िकल, बट मैं स्टैंडर्ड में से जो फिज़िकल कैमरा है वो यूज़ करता हूँ। कैमरा सेट करने के लिए सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे मैं वीरे सेटिंग ले लेता हूँ। मेरी एक आदत है कि अगर मुझे कैमरा सेट करना है सो मैं यहाँ पे वैल्यू 100 कर देता हूँ, यानी 170 160 ऐसे रेशो में पहले सेट करता हूँ कैमरा। जैसे कि मुझे अभी हॉरिजेंटल चाहिए सीन, सो मैं यहाँ पे विड्थ 100 रखूँगा और हाइट में कम ज़्यादा करूँगा। और अगर मुझे वर्टिकल व्यू चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि हाइट में 100 बाई डिफ़ॉल्ट रख दूँगा और फिर विड्थ में कम ज़्यादा करूँगा, बट यहाँ पे हम लोग हॉरिजेंटल ले रहे हैं। सो यहाँ पे मैं 60 65 बेटर है। यहाँ पे अभी के लिए लॉक कर देता हूँ मैं। ऐसे कुछ मिनट कैमरा में वर्टिकल अगर आपको सेट करना है तो यहाँ पे आपको ऑटो वर्टिकल का ऑप्शन मिलता है। पर्सपेक्टिव कंट्रोल में जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑटो वर्टिकल ऑप्शन मिल जाएगा। सो ऑलमोस्ट मेरा कैमरा तो सेट हो गया, बस थोड़ा सा कुछ ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये कैमरा सेट करें। सो आपका एक बार कैमरा सेट हो जाता है तो यहाँ पे हमने पहले लॉक कर दिया है। अभी यहाँ पे बेसिक वैल्यू डाल लेता हूँ। डाल दी। अभी मैं रेंडर सेटिंग कर रहा हूँ। सो रेंडर सेटिंग के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है रिसेंटली, आप जाके चेक कर सकते हो। मैं ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मैं छोड़ दूँगा। सो वो आप एक बार चेक कर लेना। ये वैल्यू अभी हम लोग को सिर्फ चेक करना है, इसके लिए हम लोग ये रेंडर सेटिंग एकदम हाई नहीं रख रहे, लो रख रहे। वेरी लो रखते हैं। ओके, ये हो गया। इसके बाद हमें एनवायरनमेंट में V-ray sky ऐड करना है। सो हम लोग आते हैं यहाँ पे V-ray sky ले लेते हैं। इंस्टेंस ओके, ये हमारा टॉप व्यू कैमरा 001। मैं एक बार रेंडर सेटिंग में यहाँ पे कैमरा सेट कर देता हूँ। यही है ओके। तो ये लॉक कर देता हूँ ताकि रेंडर होगा तो ये सीन ही रेंडर होगा। अभी हम लोग ने क्या किया है कि एनवायरनमेंट में V-ray sky डाला है। सो एक बार हम लोग इंटरेक्टिव रेंडरिंग स्टार्ट करते हैं। स्काई हमने डाला है, तो ज़्यादा बर्न हो रहा है। ओके, स्काई है, इसका टिक ऑन कर देते हैं। सन इंटेंसिटी 0.05। .04 रख देता हूँ मैं अभी के लिए। उसके बाद हमें सीन में लाइट ऐड करनी है, V-ray सन। ये हम लोग हमारा कैमरा का डायरेक्शन ये है, ये फेस दिख रहा है तो हम लोग को शेडो चाहिए। सो कैमरा के अपोजिट में लाइट सेट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको V-ray सन के साथ आप एनवायरनमेंट चाहिए कि नहीं ये पूछेगा। हमने ऑलरेडी एनवायरनमेंट लिया है, सो हम लोग नहीं लेने वाले अभी फिर से। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं यस करूँगा तो वो नया एनवायरनमेंट ऐड होगा। तो मैं नो कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी एनवायरनमेंट लिया हुआ है। सो यहाँ पे मेरा सन आ गया। सन की हाइट में ऊपर ले रहा हूँ, काफ़ी बर्न हो रहा है। सो अभी हमें सन पे भी यहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यू है तो हम लोग 0.5 करते हैं, 0.5। यहाँ पे लेते हैं, तो हम लोग रेडियस बढ़ा देते हैं। ओके, सो अभी हम लोग ने ये भी किया, इसकी वैल्यू थोड़ी कम की, बट आपको रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा। अभी हम लोग का एक थर्ड स्टेप एक बाकी है। सो थर्ड स्टेप ये है कि हमें सेटिंग में आके एनवायरनमेंट GA ऑन करना है। यहाँ पे भी हम लोग को वैल्यू कम रखनी है। ये हो गया। और हाँ, सबसे एक मिस्टेक क्या हो रही है कि यहाँ पे ब्राइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने फ्रेम बफर में डिस्प्ले करेक्शन में RGB रखा है, जो कि मुझे नन करना है। सो ये कभी मत भूलना कि आप जब भी V-ray में आप फ्रेम बफर में आप डिस्प्ले करेक्शन में आपको ये RGB निकाल के आपको नन पे क्लिक करना है। मैं थोड़ी यहाँ पे सकता हूँ। हम लोग लाइट एक बार थोड़ी एडजस्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कंट्रोल कैसे मिलेगा लाइट का, एनवायरनमेंट का। ठीक है, चलो। मैंने जैसे पता कि हमारे 3 स्टेप हैं, हमें सिर्फ 3 जगह पे वैल्यू को एडजस्ट करना है। सो उससे हमारी लाइटिंग प्रॉपर आने वाली है। सो वो 3 ऐसी वैल्यू कौन सी है? एक तो आपकी सनलाइट की इंटेंसिटी, उसके बाद आपकी एनवायरनमेंट GI की सेटिंग, और थर्ड है वो आपके मटेरियल में जो आपने एनवायरनमेंट डाला है वो। सो इन 3 सेटिंग पे आपको आपका ये एनवायरनमेंट सेटिंग पूरा सेट करना है। सो मैं सन की वैल्यू यहाँ पे कम कर देता हूँ। सो आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट में स्काई वो ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, अगर आपको उसको डार्क करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू और कम कर सकते हो, यानी 0.04 है 0.02 करो, आपको और ब्लू स्काई मिल रहा है। अगर आपको ओवरऑल मॉडल के ऊपर अगर थोड़ा ब्राइट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से GI कंट्रोल जो हम लोग कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू बढ़ाएंगे 5। सो ये आपके मॉडल के ऊपर ब्राइटनेस बढ़ गया। आपको यहाँ पे वैल्यू कम करके दिखाता हूँ, आपको रिजल्ट पता चलेगा। 5 की जगह फिर 2 करता हूँ। सो देखा ये थोड़ा ब्राइट हो गया। सो आपको यहाँ पे सेट करना है कि आपको कितनी वैल्यू रखनी है। यहाँ पे 0.45 कर देता। और बाकी आपको यहाँ पे लाइट की आपको क्या इंटेंसिटी रखनी है वो हिसाब से आप रख सकते हो। सो बेसिकली आपकी पूरी सेटिंग इन 3 वैल्यू के ऊपर होती है। आपको ये 3 वैल्यू बराबर से सेट करनी आनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं थोड़ा ये राइट करता हूँ, इतना ठीक है। सो आपको ये 3 वैल्यू आपको सेट करनी है। सो बाद में इसमें आप पोस्ट प्रोडक्शन करके आप कर सकते हो जो भी आपको करना है। सो इसके अलावा मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ कि जैसे कि आप लाइट में आते हो तो लाइट में आप पे आपको फ़िल्टर कलर और फ़िल्टर मोड दिखता है। सो अभी मेरे सीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा ये येलो वार्म इफ़ेक्ट है, अगर वो मुझे कम करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना है। मुझे कलर कैसे चेंज करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, आपको पिक टूल लेना है, जो स्काई का ब्लू कलर है वो पिक करना है। सो वो कलर आपको यहाँ पे मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको थोड़ा शेड चेंज होते हुए दिख रहा है। मैं एक बार क्लोज करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं फिर से 0 होता हूँ। सबको दिख रहा है, थोड़ा वार्म इफेक्ट है। थोड़ा सा कोल्ड इफेक्ट आता है। सो ये नॉर्मल उतना है। और यहाँ पे आपको कलर मोड मिलता है। अगर आप ओवरराइट रखोगे सो ये थोड़ा आपको ब्लू टोन में लेके जाता है, कोल्ड में। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये कलर भी लिया था, इसके वजह से वो ज़्यादा ही ब्लू हो रहा था। और हमारे पास तीसरा वो डायरेक्ट मोड, इसमें लाइट का इफेक्ट निकल जाता है। सो ये आप मत यूज़ करना, आप मोस्टली ये फिल्टर मोड पे आना। आपको अगर कोल्ड आपके ऊपर है आपको कैसे एनवायरनमेंट सेट करना है। सो आपको थोड़ा कोल्ड इफेक्ट चाहिए तो जैसे मैंने आपको पिक करके बताया वैसे आप पिक करके ले सकते हो। सो बस इतनी सिंपल सेटिंग होती है। हम लोग कैमरा फिर से एक बार सेट करते हैं। मैंने जल्दी में कैमरे से सेट करके रखा था, आपको लाइटिंग बतानी थी। ओके, सो ठीक है। सो आपको सेटिंग तो पता चली। मैंने अभी फिर से थोड़ा कैमरा सेट किया, ये मुझे थोड़ा वो ठीक नहीं लग रहा था, बट मुझे आपको रेंडर सेटिंग दिखानी थी, इसके लिए मैंने वैसे ही काम चलाया। सो अभी ये कैमरा तो ठीक है, बट जैसे मैंने आपको वही बताया कि आप 3 स्टेप है, आपको सिर्फ 3 वैल्यू छेड़नी है। मैं तब तक एक बार एक काम करता हूँ, मैं इसे हाई रेंडर सेटिंग पे डाल देता हूँ और आपको वो 3 चीज़ें फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 3K फाइनल रेंडर करें, इसके लिए हम लोग 24 और ये नॉइस थ्रेशोल्ड 0.001, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। जैसे मैंने बताया था कि उसमें आप चेक कर लेना कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे आपका एकदम नॉइस निकल जाता है जो सीन में है। ये एक्सटीरियर में इतना काम नहीं आता है, बट आप इंटीरियर में अगर यूज़ करते हो इसका तो आपको काफ़ी बेनिफिट है इसका। बट वो ये क्या जितने आप 0.001 करते हो, छोटी वैल्यू करते हो, सो आपका रेंडर का टाइम बढ़ता है, बट आपको जो इमेज की क्लैरिटी मिलती है वो काफ़ी अच्छी होती है, उसमें नॉइस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये आपको इंटीरियर में काम आने वाला है। सो वीडियो आप एक बार चेक कर लेना, मैंने रिसेंटली बनाई थी, उसकी लिंक मैं आई बटन पे डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और अगर आपको टेस्ट रेंडर के लिए अगर ये वैल्यू रखनी तो आप 0.05 या 0.01 कर सकते हो। सो इसमें आपका जल्दी रेंडर होगा बट थोड़ा नॉइज़ होगा। तो फाइनल के लिए आप 0.001 कर सकते हो। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो 0.003 आप कर सकते हो, बट अभी मैं 0.001 कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लो करता हूँ, सब डिवीजन 70 और ये सैंपल 30, लाइट कैच से 1500। ओके, टॉप टू बॉटम। यहाँ पे अभी मुझे डीनॉइजर लेने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी नॉइज़ की सेटिंग तो हाई रखी है। अगर आप लो रखते हो तो वो केस में आप डीनॉइजर ले सकते हो। अभी के लिए सिर्फ मैं वायर कलर ले रहा हूँ। उसके बाद मुझे लगने वाला है रेंडर आईडी रिफ्लेक्शन, बस। सो ये लिया मैंने और इसको रेंडर सो मैं वही आपको समराइज़ कर रहा था, तो मैं आपको फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूँ सेटिंग के बारे में। आप कैमरा सेट करोगे, उसके बाद आपको एनवायरनमेंट डालना है। एनवायरनमेंट के बाद आप सन डालोगे। सो इसमें आपको रेंडर जब आप फ्रेम बफर ओपन करोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले करेक्शन है, तो उसमें जाके आपको ये नन करना है, ये मत भूलना, आप नन करो वहाँ पे। उसके बाद आपको एनवायरनमेंट की जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू आपको कम करनी है। सेकंड है कि आपको जीआई कंट्रोल करना है, जो रेंडर सेटिंग में जीआई सेटिंग है वहाँ पे आपको वैल्यू कम करनी है। और उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे आती है कि आपने जो सन लिया है तो सन की इंटेंसिटी आपको कम करनी है। सो ये जो तीन वैल्यू है वो तीन वैल्यू को आपको प्रॉपर तरीके से आपको मैनेज करने आना चाहिए। अगर आपने अच्छे से किया तो आपका ये रेंडर सेटिंग अच्छे तरीके से बन जाता है, तो आपका व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है। सो आप ज़रूर ये सेटिंग ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद मुझे एक बार बताना, कमेंट में आप बताना मुझे कि आपका रेंडर कैसे आया। सच में आपको ये सेटिंग आपके काम की है कि नहीं। आई होप गाइज आपको ये आज के भी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर इस रेंडर सेटिंग का और लाइटिंग का यूज़ करके अगर आपका रेंडर काफ़ी अच्छा आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं वो ज़रूर देखूँगा और ऐसी नई वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो बने रहना चैनल पे, मिलते हैं एक अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।